हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे और आपने हमारी पुरानी वीडियो गोल्ड जिम पे, एनी टाइम फिटनेस और कल्ट पे ज़रूर देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इनके लिंक्स नीचे शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं। आज जिस ब्रांड की हम बात करने जा रहे हैं वो एक जिम ब्रांड नहीं है, बट वो एक जिम का बहुत एसेंशियल पार्ट है जिसे हम बोलते हैं फिटनेस इक्विपमेंट। आज जिस ब्रांड की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Gympac फिटनेस। Gympac फिटनेस शुरू हुआ था 1996 में बाय मिस्टर मोहन गुप्ता। अगर आपने ज़िंदगी में कभी जिम खोलने का सोचा है या कभी जिम खोला है तो आप डेफिनेटली इनसे ज़रूर मिले होंगे। ही इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट मैन इन द इंडस्ट्री। आप इनसे बात करेंगे, बहुत ग्राउंडेड जेंटलमैन है। आप इनसे जब बात करेंगे, जब इनके साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छा इनका नेचर है। इनके पास जो ब्रांड पहले था वो था प्रिकॉर। प्रिकॉर के साथ इनका 18 साल का एसोसिएशन था। 1996 में चेन्नई में ये अपना पहला जिम बना रहे थे और उस टाइम पे इक्विपमेंट ढूंढ रहे थे, इनको नहीं मिला। तब इनको आइडिया आया कि क्यों ना अच्छे जिम इक्विपमेंट्स को इम्पोर्ट किया जाए, एक अच्छी सर्विस क्वालिटी बनाई जाए। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इन्होंने प्रिकॉर इम्पोर्ट करना शुरू किया। एंड ट्रस्ट में, प्रिकॉर को इंडिया में अगर हाइट्स पर कोई लेके गया था तो मोहन सर थे, जहाँ पे इन्होंने एक अच्छी सर्विस के साथ, अच्छी प्राइसिंग के साथ, अच्छी मार्केटिंग के साथ उस चीज़ को डिलीवर किया। 18 साल प्रिकॉर के साथ रहने के बाद इनको 2016 में चांस मिला लाइफ फिटनेस के साथ जुड़ने का। लाइफ फिटनेस वर्ल्ड की सबसे बड़ी इक्विपमेंट कंपनी है। अगर अब मेरे नंबर सही हैं तो लगभग $700 मिलियन का इनका टर्नओवर है, जो कि इसको सबसे महंगी फिटनेस कंपनी बनाता है। तो इमेजिन करिए, इनके ये डिस्ट्रीब्यूटर्स बने थे 2016 में इंडिया में। तो वहाँ से इनकी जर्नी लाइफ फिटनेस के साथ शुरू हुई। हज़ारों जिम्स आज तक इन्होंने अपने ब्रांच के साथ, चाहे वो प्रिकॉर है चाहे वो लाइफ फिटनेस है, इनके साथ इन्होंने शुरू करवाए हैं। उनकी सर्विस का ध्यान रखना, उनकी मेंटेनेंस का ध्यान रखना और उनको कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना, ये सारा कुछ इस ब्रांड में किया गया। आज मैं इस ब्रांड की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी फिटनेस का एक पार्ट है। हमें लगता है कि फिटनेस का मतलब है सिर्फ जिम में जॉब मिलेगी, नहीं। ये ऐसी अल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज है जो साथ साथ ग्रो कर रही हैं, जिसमें बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस हैं। इफ़ आई लुक एट द टर्नओवर फॉर दिस ब्रांड Gympac, हम लाइफ फिटनेस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं Gympac की। Gympac का जो टर्नओवर है वो लगभग 120 करोड़ का टर्नओवर है। लगभग 150 एम्प्लॉयज इनके पास काम करते हैं। अगर आप सेल्स में अच्छे हैं तो आप क्यों नहीं एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं इस ब्रांड के साथ, जहाँ पे यू लुक एट सेल्स मैनेजर और अ सेल्स टीम फॉर दीज कंपनीज। एक अच्छी सैलरी है, एक अच्छा इंसेंटिव है जो कि आप देख सकते हैं। इतने अच्छा ब्रांड है लाइफ फिटनेस, उसके साथ हैमर स्ट्रेंथ है इनके पास, साइबेक्स इनके पास है, एस्केप फिटनेस, माई जोन, गेंटर, इकोर फ्लोरिंग, प्रैक्टिकली पूरा एक सोल्यूशन देते हैं जिम का। तो अगर आप सोच के चलेंगे तो लगभग 10 करोड़ रुपए की सेल महीने की है। तो आप सोचिए कितना ज़्यादा चांसेस ऑफ इंसेंटिव्स हैं, एक अच्छी सेल करने के चांसेस हैं। तो एज अ फिटनेस ओनर आप ज़रूर सोचिए इसके बारे में कि अगर आपको फिटनेस में करियर चाहिए तो दिस इज़ वन ऑफ द करियर्स दैट यू कैन लुक एट। ऑल्सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर न्यू जिम, एक बार ज़रूर इनसे बात कीजिए। लाइफ फिटनेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट्स इन द वर्ल्ड। मैंने इस पर खूब एक्सरसाइज करी है, इसलिए मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल सकता हूँ कि लाइफ फिटनेस, साइबेक्स और ये जितने भी ब्रांड्स हैं, एक अच्छा ब्रांड है। मैं इनका जो सेल्स डिपार्टमेंट का नंबर है वो नीचे डाल दूंगा। यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विद दैम नाउ। इनकी डॉटर शिखा गुप्ता इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द बिजनेस एंड ट्रस्ट मी, जितना भी मैंने फीडबैक लिया है लोगों से और जितने भी मेरे जो कनेक्टेड लोग हैं उन सबसे मेरी बात हुई है, इनकी सर्विस में कोई भी कमी नहीं है। दे हैव देयर ओन वेयर हाउस, दे हैव देयर ओन ट्रक्स, दे हैव देयर ओन सर्विस ऐप। इमेजिन करिए, दे हैव देयर ओन सर्विस ऐप, यहाँ पे आपको सिर्फ कंप्लेंट लॉन्च करनी है और एक आदमी आके आएगा और आपके सारा इक्विपमेंट जो है उसको रिपेयर करके जाएगा। तो मुझे लगता है एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है जिसको आप देख सकते हो जब हम बात करते हैं एज अ करियर इन फिटनेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। विल कीप कमिंग बैक विद मोर वीडियोज़। थैंक यू।